ओरल सेक्स के लिए अपने पत्नी को कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। स्पेशली ये इसलिए जरूरी है ओरल सेक्स करना, एक तो एक अलग तरह का सेक्स है और दूसरा जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम है, लैंगिक कठोरता का प्रॉब्लम है, वो ये ओरल सेक्स में पहले इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम निकल जा सकता है। देखो सेक्स तीन प्रकार से होता है, एक है ओरल सेक्स, दूसरा है वजाइनल सेक्स और तीसरा है एनल सेक्स, गुदद्वार से सेक्स। अपनी अपनी चॉइस होती है सेक्स करने की, अपनी अपनी चॉइस होती है मजा लेने की। कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों को ओरल सेक्स अच्छा लगता है तो वो ओरल सेक्स करने के लिए अपने वाइफ को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं कि ओरल सेक्स कर। वाइफ को अच्छा लगता है तो वो कर लेती, दोनों एंजॉय करते हैं। वाइफ को अच्छा नहीं लगता है मगर पुरुष को अच्छा लगता है तो उसने उसको मनाना चाहिए, बोलना चाहिए और ओरल सेक्स करके लेना चाहिए। मगर मैं आज जो बात कर रहा हूँ स्पेशली वो लोगों के लिए कि जिनको लैंगिक कठोरता का प्रॉब्लम है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ना वायग्रा लेने की जरूरत है, ना डाडालाफी लेने की जरूरत है। यदि आप कुछ दिन तक ओरल सेक्स करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी निकल जाएगी, करने की एंग्जाइटी, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी आपको करना ही है, अभी जो भी करना है वो वाइफ को करना है, पत्नी को करना है। और उसमें फिर आपकी एंग्जाइटी एक बार कम हो गई तो फिर आप नेचुरल वजाइनल सेक्स में आ सकते हैं। तो ओरल सेक्स के लिए यदि वाइफ तैयार ही नहीं है तो उसको तैयार कैसे करना, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मैं आपको 9 टिप्स देने वाला हूं कि वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पत्नी ओरल सेक्स के लिए तैयार हो जाएंगी और आपका स्टेमिना का प्रॉब्लम जो है या इरेक्शन का प्रॉब्लम है वो निकलने में सहायता होगी बिना दवाई का। तो नंबर एक जो है कि आप रूटीन वातावरण बदल के आप पिकनिक स्पॉट चले जाओ, दो नाइट बाहर निकल जाना है, आपका रोज का वातावरण बदल गया, रोज का स्ट्रेस तनाव टेंशन वो बदल जाता है और एक आप सेकंड हनीमून के लिए जा रहे हैं ऐसा समझ के चलो, तो आप एक पिकनिक स्पॉट्स पे चले जाओ, वहाँ होटल बुक करो, रिजॉर्ट में चले जाओ, 2 nights 3 days ऐसा इस तरह का एक प्लान बनाने का है। तो उसमें माइंड एक अलग स्पेस में आता है और जो एक फिक्स आइडियाज है वो निकल जाती है। नंबर दो का पॉइंट ये है कि आप उसको फोर्स मत करो। फोर्स से क्या होता है कि फोर्स जब आप करते हैं इसका मतलब वो रेजिस्ट कर रही है या आप रेजिस्ट कर रहे कि करना चाहिए करके, और वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, मतलब आप जिसके ऊपर जोर दे रहे कि करो वो करेंगे नहीं, तो वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट के हिसाब से आपने फोर्स नहीं करने का है, उसको पटाने का, मनाने का, जो भी करना है कन्विंस करने का, जो भी करना है करो। नंबर तीन जो है वो है 3S, शॉवर शेव एंड स्प्रे। शॉवर लेना है दोनों ने साथ में या खुद ने अकेले ने भी शॉवर ले सकते हैं ताकि आपके बॉडी को कुछ पसीने का पास आ रहा है या जो भी कुछ है, या नीचे के पार्ट्स में क्या होता है कि सिक्रीशन से कभी कभी बास आता है, कभी गंदा बास आता है, तो साफ मतलब वो निकल जाएगा। साफ सफाई करते हैं, शेविंग करते हैं तो उससे भी अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन, और बॉडी स्प्रे मारते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, पत्नी को अच्छा लगेगा। तो शॉवर शेव एंड स्प्रे नंबर तीन का पॉइंट। नंबर चार का पॉइंट है कि अप्रिशिएट करो और रोमांटिक बातें करो। क्या होता है कि वाइफ को, मतलब पत्नी को या कोई भी महिला को एक्चुअली सेक्स इंटरकोर्स और इंसर्शन करने में जितना मजा नहीं आता, उससे ज़्यादा मज़ा उसको आता है खुद के अप्रिसिएशन में, अच्छी बातें सुनने में, रोमांटिक बातें करने में, तो उससे वो काफ़ी एक्साइट हो जाती है। तो उसको अप्रिशिएट करो, रोमांटिक बातें करो तो उसको अच्छा लगता है। नंबर पाँच जो है कि मेक एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब कोई अलग सा, कोई लाइट अलग कर लेते हैं, ब्लू लाइट लेते हैं या ग्रीन लाइट लेते हैं, है ना, इस तरह का, या कुछ अलग पोजीशन में करते हैं, या फिर फोर प्ले बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा फोर प्ले करते हैं, मसाज करते हैं, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसमें तैयार होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो मेक एन एनवायरनमेंट, ये है पांचवा पॉइंट। छठवा है कि आप साथ में वीडियो देख सकते, ओरल के जब आप साथ में वीडियो देखते हैं तो नेचुरली एक्साइटमेंट आ जाता है, इच्छा भी हो जाती है और उसके दिमाग में ऐसा होगा कि नहीं नहीं ओरल नहीं करना चाहिए, तो वो निकल जाएगा और वो तैयार हो जाएंगे। तो है कि साथ में वीडियो देखो, वीडियो बताओ, उसको अच्छा लगेगा। फिर सातवां पॉइंट है कि सेंटेड कंडोम का वापर करो। क्या होता है कि बहुत सारे औरत ऐसे होती कि नहीं भाई वो वैसा अच्छा लगता नहीं है, गंदा लगता है, या कुछ सिक्रीशन आ जाएगा तो वो मुंह में जाएगा, तो इसके बदले आप यदि सेंटेड कंडोम का, और उसको जो लगता है अच्छा सेंट, वो सेंटेड कंडोम, कोई ऑरेंज होता है
तो कोई एप्पल पाइन एप्पल का होता है या चॉकलेट होता है, मतलब अलग अलग सेंट्स से कंडोम मिलते हैं, तो वो कंडोम का आप वापर करते हैं तो उससे वो तैयार हो जाती है। नंबर 8 का पॉइंट है कि आप भी कर सकते हैं। जब आप उसको बोल रहे करो तो आप भी करो ओरल, तो उसको भी अच्छा लगेगा और उसको भी समझ में आएगा कि ये करते हैं तो अच्छा है करके, तो आप भी ओरल करो। और नंबर 9 का पॉइंट है कि बी डिमांडिंग, सबसे आखिरी में है, मतलब डोमिनेटिंग और डिमांडिंग। ये कैसा है कि आप रिक्वेस्ट करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो फिर से वो वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस, मतलब आप प्लीज़ प्लीज़ करेंगे तो होता नहीं, तो डिमांड करना है, डोमिनेंट रहना है कि नहीं भाई ये करना ही है, और उसको वहाँ तक लेके जाओ एक्साइटमेंट की लेवल तक कि वहाँ वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। तो इस तरह के 9 पॉइंट है। आपको वायग्रा, टाडालाफिल या सिल्डानाफिल कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है वो निकल जाती है, और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी निकल गई, आपको परफॉर्म करने की जो एंग्जाइटी वो निकल जाती है, तो उसमें फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये इरेक्शन आता है, कोई प्रेशर नहीं दिमाग के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, और अभी पूरा चार्ज ओरल में क्या होता है कि पत्नी ने लिया रहता है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा बिना दवाई का। दवाई के साइड इफेक्ट्स तो आपको पता ही है, वो होते रहते हैं, तो वो फिर करने की लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर तमाम वो लोगों को शेयर करो, स्पेशली वो जो लोगों को इरेक्शन का प्रॉब्लम है, लैंगिक कठोरता नहीं आती है, और उनको दवाई लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं भाई दवाई से बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो एलोपैथिक की दवाई नहीं लेना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।